आता ना आता मेरे अंदर से आता है तो आपको पाल रहा था। और आज हम करने जा रहे हैं अपना ही खात्मा। बाकी लोग ये करके बहुत व्यूज लाते हैं, तो गाइस अकेले अकेले मुझे नहीं लेने तुमको, मुझे भी चाहिए। गर्ल्स इन फ्रंट ऑफ देयर मिरर। वैसे यार जो भी बोलो, सोनी थे मैं हाँ, और कभी कभी तो मैं बहुत ही ज्यादा सोनी लगती है ना, नजर ना लग जाए। वैसे यार जो भी बोलो, एक्सप्रेशन तो बढ़िया देती है, मेरे रील्स क्रिंज बिल्कुल नहीं लगते। चल झूठा, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है। तेरी आंखें बताती हैं, तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए। देखो सच बोलूं ना गाइस, तो मैं क्रिंज रील्स नहीं बनाती, लेकिन मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं उनको रोस्ट कर पाऊँ। दिस इज बिजनेस, मैं काम करूंगी। ये तो सोच के भी मैं थक गई भाई, काम वाली टाइप शक्ल लेने के बाद भी मैं काम करूंगी, ये तो सोच के भी मैं थक गई भाई। ये बोलने से पहले मुझे शर्म आनी चाहिए थी। कुछ शर्म आया है, अंदर ही अंदर मेरा दिल इतना रो रहा है। पटाखे कोर्ट ने बंद करवा दिए, साउंड सरकार बंद करवा रही है, मिठाई और घी मेरे डॉक्टर ने मना कर दी, अब दिवाली का मैं हाजमोला खा के मनाऊं। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपना जोक नहीं मारा, वरना हंसी भी नहीं आती। इसलिए मैं लिपसिंक कर देती हूँ कि एटलीस्ट दूसरों के जोक पे तो लोग हंसेंगे। वो मेरे दिल का पसंदीदा शख्स है, उसके जिक्र पर तो रूह भी मुस्कुराती है। मैं इसको नंबर वन मार्क देती हूँ, क्रिंज में नंबर वन। दिस इज रियली क्रिंज, आई एक्सेप्ट टू। आप एक्ट्रेस हो क्या, पता नहीं, मुझे तो लगता है अभी तो नहीं हूँ चंद्रेश जी, बट सून। क्या कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। के तेरा गुरूर मेरी मोहब्बत से जीत गया, और बधाई हो मेरी जान, तेरे बगैर एक और महीना बीत गया। तुम लोग बोलोगे यार अपने वीडियो देख के अपने जोक्स पे खुद ही हंसे जा रही है, हम हंसी नहीं रहे, तो तुम क्यों नहीं हंस रहे हो, हंसो ना। मैं तो किसी को हंसता हुआ देख के भी हंस देती हूँ, रीजन भले पता ना हो, वैसे ही तुम भी हंस दो। और अगर अब हंस दिए तो वीडियो लाइक कर देना। क्या बढ़िया एक्सप्रेशन भी है, मैंने क्रिंज वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि एक्टिंग नहीं आती है, एक्टिंग आती है गाइस। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे कोना बहुत गुड हो गया जी। 10 आउट ऑफ रेटिंग्स दो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग्स डालो गाइस, एंड इफ यू वांट मोर सच रील्स लेट मी नो। जी मैं बढ़िया से कर सकती हूँ, पहले बकचोद टाइप रील्स बना दूंगी, उसके बाद उसी रील्स को रोस्ट कर दूंगी। वैसे गाइस जो लोग मेरा रील्स देखते हैं उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं पहले काली थी अभी गोरी कैसे हो गई। मैं गोरी नहीं हूँ, मैं इस वीडियो में जैसे दिख रही हूँ डिट्टो ऐसी हूँ। मेरे को पता भी नहीं भाई लोग इस चीज के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मैं किसी किसी वीडियो में फिल्टर यूज करती हूँ, किसी किसी वीडियो में, तो उसमें मैं गोरी ज्यादा दिखती हूँ, वो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं नॉर्मल दिखती हूँ ना, जैसे अभी दिख रही हूँ, वो फिल्टर वाला नहीं होता है। और उस टाइम पे मैं सांवली इसलिए थी क्योंकि मैं जानबूझ के अपने आप को धूप में रखती थी, क्योंकि मेरे को सांवले लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, सांवला रंग मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। अभी क्योंकि मेरे को घर पे ही रहना रहता है, कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, इसीलिए शायद ऐसी हो गई हूँ। गोरा और सांवला किसको इम्प्रेस करने के लिए होना है, तुम अपने आप से सेटिस्फाइड रहो बस। सही बात है, मैं तुम्हें भूल भी तो सकता था, हाँ, मगर ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं बात कर रही हूँ एलजेब्रा के बारे में गाइस। एक तो मुश्किल से याद हुआ था सारे फॉर्मूलाज, अब उसको भूले तो भूले कैसे। तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, तुम जब कहोगे हम तब मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, ना घड़ी तुम पहनोगे ना वक्त हम देखेंगे। वाओ, मतलब टाइम वेस्ट करेंगे दोनों मिलके। वो तो मैं
अकेले भी कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। That's why I prefer to stay single, guys. मैं भगवान कसम बता रही हूँ गाइस, ये रील्स बनाने के पहले ना मेरे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, ये बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है चलते तो ऐसे टाइप वाले ही रील्स है। इतनी प्यारी लड़की है ये, एक लड़का लिखता है यू ऑल्सो, दूसरी लड़की लिखती है नई बहन ये प्यारी हुआ करती थी, अब नहीं, अब केवल बेकार बातें बोलती है। ये बेकार है, मजा नहीं आ रहा तुमको, सच्ची बताओ। नहीं, खाओ माँ कसम। अरे यहाँ शरीफ बन रही है ये, यूट्यूब चैनल सलोनिया भगर के बहुत बकचोदी फैल रखी है। यार तुम लोग कितने मस्त हो गए, कितने मस्त हो गए तुम लोग, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, लगे सीरी सा लग रहा है। आप तो और प्यारी हो, आपका दिल भी साफ है और मुझे जहाँ तक मालूम, हाँ ये कर लो पहले, कितने ठरकी है वे लोग, इसको पायल नहीं के दिल का कैसे पता चल गया अचानक से। जिस दिन उसे बताया कि वो सबसे खास है, उस दिन से उसके तौर तरीके बदल गए। देखो जो लोग बोलते हैं ना ओवर एक्टिंग, देखो कितना सटल एक्सप्रेशन दिया है मैंने, कितना अच्छा एक्ट किया है, नहीं मतलब खराब बोल रहे हो तो तारीफ भी तो कर ही सकते हो। और मुझे क्या, मुझे पैसे कमाने से मतलब है, बस रील्स बनाऊंगी, वहाँ बकचोदी करूंगी, उसी बकचोदी को यहाँ आगे रोस्ट कर दूंगी, लोगों को ये बकचोदी लगेगा, लोग मेरे रील्स को रोस्ट करेंगे, मेरे वीडियोस को रोस्ट करेंगे, उससे मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगा, सब पैसा ही है, कुर्सी इज माय इंस्पिरेशन गाइस, नोबडी कैन हर्ट मी। गजब ये कि मैं खूबसूरत नहीं, इतना भी सच नहीं बोलना था, कमाल ये कि एक शख्स मुझ पे जान देता है, ये झूठ है, उसको कमाल ने झूठ बोलते हैं बहन, नोबडी गिव्स जान ऑन मी बट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू, सब लंबा जियो बे, अच्छा जियो, स्वस्थ जियो, मस्त जियो, ओके। वाह, मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, अच्छा मिश्रा, तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं, हर शख्स तुम्हारी तरफ देख रहा है। शायरी बहुत प्यारी लगी थी मेरे को, ऑनेस्टली इसमें एक्सप्रेशंस मेरे रियल है एकदम। वैसे गाइस ये सब रील्स देखने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपको बोल दूं कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ो तो बताऊं मैं ये सब क्यों करती हूँ। बट आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ गाइस, हमें जहाँ से भी ऑडियंस मिलेगा, जो करके भी मिलेगा, हम वो सब करने के लिए तैयार है, बस ओनली फैंस नहीं खोलूंगी मैं, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइस। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूं आपको पता लगे, और आप मेरी वो वीडियो भी लाइक करें, यहाँ पे कुछ वीडियोस आ रहे हैं उनको भी जाके देखो, मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं उनको भी टैप करके जाके देख सकते हो, मजेदार होते हैं, जस्ट एज आई लव यू। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।